क्या आपके भी पैरों में दौड़ते टाइम दर्द होता है, या फिर आप थोड़े से दूर जाने के बाद आप थक जाते हो, या फिर रनिंग करते टाइम पैरों में मोच आ जाता है? तो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं रनिंग टिप यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने रनिंग को कैसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या फिर अपने जो टारगेट हमने बनाया हुआ है कि आज रनिंग में इतना हमको पूरा करना है, तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। कुछ मेजर प्रॉब्लम होती हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते या फिर समझ नहीं पाते हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से हम अपने रनिंग टिप्स को बेहतर नहीं बना पाते। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 बेस्ट और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचेस जो आप रनिंग से पहले कर सकते हैं और अपने रनिंग में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं उसको। अगर कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो हैं जो इसमें 5 स्ट्रेचेस हैं जो कि हम रनिंग से पहले कर सकते हैं, तो उनका क्या क्या नाम है, तो बात करते हैं। सबसे पहला इसमें है काल्फ स्ट्रेच, दूसरा है पिरिफॉर्मिक स्ट्रेच, तीसरा है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, चौथा है आईटी बैंड स्ट्रेच, पांचवा है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। बात करते हैं अपने फर्स्ट स्ट्रेच के बारे में जो कि जिसका नाम है काल्फ स्ट्रेच। तो आपको कुछ, अगर आप गार्डन में रनिंग कर रहे हैं या फिर आप रोड साइड में रनिंग कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइप का जगह मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान से देखिए किस टाइप से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट जो पैर है वो इस तरीके के जगह पे आपको मोड़ना है, जो कि पैर का पंजा है वो मोड़ना है, और बिल्कुल सीधा। हो सकता है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो डिसबैलेंसिंग थोड़ी सी होगी, तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं। और आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 30 से 35 सेकंड तक आपको करना ही करना है, और बारी बारी से दोनों पैर का आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो जो मेन अहम रोल निभाता है वो हमारा पैर का पंजा ही होता है। तो जब ये हमारा अच्छे से फ्लैक्स होगा तो बहुत ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्ट्रेच के बारे में जिसका नाम है पेरिफॉर्मिक स्ट्रेच। इस स्ट्रेच में आपको कुछ इस टाइप का जगह आपको देखना है। अगर आपके पास चेयर है या जिम में या फिर घर पे भी ये बड़े आराम से कर सकते हैं। चेयर पे आपको इस टाइप से बैठ जाना है, पैर दोनों सीधा रहेगा पंजे, और एक पैर आप दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल जैसे जिस तरीके का इस वीडियो में दिख रहा है इस टाइप से आपको रखना है। और जो आपका दोनों हाथ रहेगा वो आप कमर पे भी रख सकते हैं, और कोशिश करें कि कमर से ही। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये एक्सरसाइज करते हैं, ये स्ट्रेच करते हैं, बट वो उतना अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो बैंड होगा वो पूरी की पूरी हिप के पास से बैंड होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से ही स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब पीछे का जो हिस्सा होता है वो उठा हुआ ही रहता है, तो आपको हिप के पास से ही करना है, और बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे स्ट्रेच की तरफ जिसका नाम है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। तो इस स्ट्रेच में आपको कुछ इस टाइप से परफॉर्मिंग करनी है, जैसे आप सीधा खड़ा हो जाइएगा बिल्कुल, और खड़े होने के बाद एक पैर आपका पीछे बिल्कुल फ्लैट रहेगा पंजे के साथ, और एक पैर रहेगा बिल्कुल सामने, और इस टाइप से आपको बैठ जाना है। कोशिश करें कि आपका जो पैर है वो हिप के पास से बैंड ना हो जाए, बिल्कुल सीधा आपको रहना है, और हिप के पास से घुटने से धीरे 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 आपको सामने की तरफ झुकना है। और झुकते टाइम ये करिएगा कि आपका जो हिप है वो नीचे ना झुके, सिर्फ और सिर्फ आपके घुटने के पास से झुके, तभी ये स्ट्रेच आपको समझ में आएगा, और ये काफ़ी पावरफुल है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही बेनिफिशियल है। कोशिश करें आप कि इसे भी 35 से 45 सेकंड करने का कोशिश करें। तो गाइस, बात करते हैं अपने चौथे स्ट्रेच के बारे में जिसका नाम है आईटी बैंड स्ट्रेच। इस स्ट्रेच को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर कि परफॉर्म करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगती है कि आपका जो पूरा बॉडी होता है वो बिल्कुल ही सीधी अवस्था में रहेगा, क्योंकि बहुत लोग इस स्ट्रेच को करते हैं या फिर इस वर्कआउट को करते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिससे उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो चलिए बात करते हैं ये कैसे किया जाता है। ये बिल्कुल सीधा एकदम खड़ा हो जाना है, और अपने दोनों हाथ जो हैं वो कमर पे रहेंगे, एक पैर आपका सीधा आगे रहेगा और एक पैर पीछे रहेगा, जो कि घुटने से बिल्कुल भी बैंड नहीं रहेगा। दोनों, जो आगे आपका पैर रहेगा वो हल्का सा बैंड रहेगा, और पीछे वाला जो रहेगा वो बिल्कुल ही सीधा रहेगा। एक हाथ आपका कमर पे रहेगा, और धीरे 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 आपको जिस जो पैर आपका आगे रहेगा उस साइड में आपको धीरे धीरे फ्लेक्स करना है, मतलब मुड़ना है, और आपको ये दोनों तरफ से करना है, जिससे क्या होता है जो हमारी हिप में
इसको करने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बना रहता है, और अगर हम दौड़ते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती हमारे बॉडी में, कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो पहले से ही वार्म अप हो चुका होता है। तो ये स्ट्रेच आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं पांचवें और सबसे पॉपुलर, जैसा कि आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा इस स्ट्रेच को या फिर इस वर्कआउट को, जिसका नाम है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो इसे करने के लिए सब लोग जानते हैं कि ये किया जाता है और बहुत सारे लोग ये ट्राई भी कर चुके होते हैं, लेकिन इसे जो करने का सही तरीका होता है वो बिल्कुल आपको सीधा खड़ा हो जाना है। पहले सबसे पहले सीधा खड़ा होना है, बिल्कुल हिप के पास से थोड़ा सा भी बैंड नहीं रहना है, और आपको लेफ़्ट या राइट पैर आगे करना है। लेफ़्ट या राइट पैर जो आप आगे करेंगे वो बिल्कुल भी बैंड नहीं होगा। अगर आप घुटने के पास से बैंड करते हैं तो इस स्ट्रेच का करने का कोई भी मतलब नहीं मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है। और आपका जो पीछे वाला पैर रहेगा वो हल्का सा बैंड आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीधा पैर करके बिल्कुल आगे जो आप करेंगे उसका जो पंजा है उसको कमर के पास से आपको झुकना है, मतलब रीढ़ की हड्डी ना थोड़ी सी भी मुड़े, सिर्फ और सिर्फ आपका हिप मुड़े। सीधा आपको धीरे 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 आपको ट्राई करना है आपके पंजे को छूने का। कुछ लोग क्या होते हैं, उनका जो हाथ है वो पंजे तक पहुंच नहीं पाता, तो कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो आपको ट्राई करते रहना है, और बिलीव इट बहुत ही बेस्ट ये वर्कआउट है। इसे आप करते हैं तो रनिंग में आपके बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक वर्कआउट आपको बताया है वो सिर्फ़ और सिर्फ रनिंग से पहले आप करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा।